सो फ्रेंड्स, फाइनली हम रिसोर्ट पे पहुंच गए और अभी हम रिसोर्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ से दिखाते थे ये रिसोर्ट है तैसा। ये रिसोर्ट का एंट्रेंस गेट है, ये सामने रिसेप्शन है और ये वेटिंग रूम। हमारी वेटिंग हमारी वो दिन पहले से हुई पड़ी है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। काफ़ी फ्रेंड से तो अच्छा लग रहा है। बात ही कहते हैं जय द्रौपदी पप्पा। ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है रिसोर्ट। इधर से भी है रास्ता जाने का। और ये हमारा रूम सारा फैला हुआ, आते आते था फैला दिया, बढ़िया थे। सामने से व्यू काफ़ी अच्छे हैं और ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। हम बहुत हद हैं, थोड़ा पहले नहा लेते हैं। आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ। और अब हम आ गए अपने डाइनिंग एरिया में। अभी हम यहाँ पे लंच कर रहे थे, बहुत जोर से भूख लग रही है। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया था कि हमने 350 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, अभी काफ़ी डीजल बचा हुआ है। अब हम सुबह यहाँ से निकलेंगे। अब मेरे पीछे दे रहे हैं नदी आ रही है, सामने वाटरफॉल हो रहे हैं, वो देखिए। ये हमारा रिसोर्ट है, काफ़ी अच्छा है। और ये यहाँ था स्पोर्ट्स रूम बोल रहे हैं या गेम रूम है। देखिए यहाँ पे हमारे बच्चे एंजॉय करते हुए, काफ़ी अच्छा एरिया दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे भी छोटी मोटी 3-4 दे में हैं, एडल्ट बच्चे दोनों, तो ये अच्छा टाइम पास हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, सबसे सब अपना टाइम पास कर रहे हैं। हम भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते, हम तो चले अब सोने, बहुत नींद आ रही है। वैसे अच्छा लगा यहाँ पर, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी दे रही है। अगर बारिश बाहर आप नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे भी अपना टाइम बिता सकते हैं। और ये शाम तो इन्होंने म्यूजिकल प्रोग्राम था, इसी हमें उम्मीद नहीं थी कि ये सभी होएगा, तो इस इंतजाम बट बहुत अच्छा। आपने देखा था लोगों ने समा बांध दिया यहाँ पे।
और फ्रेंड्स अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी आ गई है। आप देख रहे हैं मैं सुबह से वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी थी नहीं। और मैं आप सब तो ये बोलूँगा कि आप जब भी जाएँ तो ये पावर बैंक जरूर रखें अपने साथ, क्योंकि रात तो चार्जिंग पे मैं लगाना भूल दिया और बैटरी थी नहीं। अब लगाए हैं तो अब देखिए ये हमारे ग्रुप की फ़ोटो, सब के सब इतने खुश लग रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पटना वाटरफॉल। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये हाइट पे जाते हैं ऊपर पटना वाटरफॉल आता है और बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ से, मतलब ये देखिए आप बहुत ही अच्छी हाइट से पानी आता है। आप देख रहे हैं ये फ़ोटो मेरी करीब 4 साल पुरानी है, मैं दिया था जब, बट अभी बारिश की वजह से हम ऊपर नहीं जा रहे, तो हमारे साथ बच्चे और लेडीज़ भी हैं और बच्चे शायद चढ़ ना पाएँ क्योंकि बता रहे हैं पानी भी थोड़ा गंदा है और रास्ते में तो ही पेट गिरा हुआ है, इसलिए हम यहीं स्टे कर रहे हैं अभी थोड़ी देर। यहाँ पे वेदर तो इंजॉय करेंगे और नेचर तो इंजॉय करेंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं हम, जो हमारा प्लान है ऋषिकेश था, कि हम शाम तो ऋषिकेश में गंगा जी की आरती देखेंगे और रात में फिर वापसी फरीदाबाद के लिए निकलेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं ऋषिकेश और यहाँ देखिए गंगा जी का फ्लो और विड्थ दोनों ही, कितनी हरियाली और कितनी शांति है यहाँ पे। ये टॉप व्यू से ये है सामने हमारे राम झूला और राम झूला की टेक्नोलॉजी है कितना पुराना है और अभी भी खड़ा है, इसके ऊपर जाने में अलग ही फीलिंग आती है। अब थोड़ी देर में यही घाट पे गंगा जी की आरती होगी, उसे हम देखेंगे।
के टाइम ये लक्ष्मण झूले थी लाइटिंग है, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ पे बैठने के बाद। आप ज़रूर आएँ और आरती ज़रूर देखें, मतलब आप सब तो घूमें, आरती आप तो सबसे ज़्यादा रिलीफ दे दी। सो अब हम फाइनली घर पहुँच चुके हैं, आने तो मैंने वीडियो डाला नहीं क्योंकि अंधेरा बहुत था और वीडियो साफ आ रहे नहीं थे। और अप्रोक्सीमेट 612 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई। जब मैंने 10th फुल कराया था उस समय मेरी गाड़ी रीडिंग थी 30,545 और अभी जो रीडिंग है वो 31,157 के आसपास हो है, जो आप देख रहे थे स्क्रीन पे। तो अगर मैं एवरेज निकालूँ तो मेरा 50 लीटर ज़्यादा डीजल लगा है और एवरेज मेरी गाड़ी इस गाड़ी से जो निकलते आई है अप्रोक्सीमेट 12 लीटर पर किलोमीटर से आई है। बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मैंने जो सोचा था 10 to 10 निकालेंगे, हमारा चनाचल जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और मेरा पूरा डीजल कंज्यूम नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।